अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, माय ब्लड लव्ड YouTube फैमिली, मेरी सोनी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मैं जाने लगा था अपना मेल बॉक्स चेक करने, तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाया जाए। इंफॉर्मेटिव, ये स्कूल बस जा रही है, इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाया जाए, मतलब मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे मेल बॉक्स का क्या सिस्टम है, डाक का क्या सिस्टम है। जैसे कि एक निज़ाम होता है ना कि वो डाक खाने में डाक आई, फिर वो तकसीम होते आगे खाते, यहाँ पे क्या निज़ाम है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मेल बॉक्स चेक करने। आई थिंक मुझे तो गाइज यहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिक एरिया का पोस्टल कोड होता है, तो यहाँ पे हर घर का एक पोस्टल कोड है और मेल बॉक्स, हर घर का अपना मेल बॉक्स है। यानी एक साइड वो ट्रैफिक की वजह से वो थोड़ी आवाज़ में मसला हो रहा है। मतलब ये कि हर घर को एक नंबर अलाट किया जाता है उसके मेल बॉक्स का, और वो अपनी डाक चेक कर सकता है डेली बेसिस पे। जैसे कि अभी मैं चेक करने लगा हूँ, तो ये देखिए गाइस, ये है मेल बॉक्सेस कैनेडा पोस्ट, और ये हर घर का एक लहदा है। इसमें ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये हर घर का एक लहदा है, इनमें से हमारा भी एक है। तो अभी मैं यही चेक करने आया हूँ, और मैं ऐसा चेक करूँ कौन सी मेल आई है, आई भी है या नहीं आई, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से भी मेल्स आती हैं आपके रिलेटेड, आपके ऑफिशियली काफ़ी मेल्स होती हैं, तो इसको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ता है। तो मैं अपना चेक कर लूँगा। खुल जा सिम से, काफ़ी माल आया लगता है। गाइस ये वाले डेली बेसिस पे तकरीबन आते हैं, या प्रमोशनल एडवर्ट मतलब कंपनीज की तरफ से आते हैं डेली बेसिस के वाले से ये, तो ज़रूरत नहीं इनकी, इसलिए इनको ये घर पर ही करती है। और अभी मैं बाहर आया हूँ, तो ये बड़ा प्यारा निज़ाम है, मैंने इसकी आपको दिखाया कि देखिए एक होता है ना कि डाक खाना होता है, डाक खाने में खाता आते हैं, फिर पहले डाकिया लेके आता है, पूरा एक सिस्टम जो होता है, फिर आगे तकसीम किए जाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। आराम से अपनी चाबी लगाओ, खोलो और जो है वो ले जाओ। ये बड़ा बहुत ही मज़े का निज़ाम है। और इसके अलावा मेरे पास एक दो चीज़ है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ पास ही आए। ये बटन है एक्चुअली इस वक्त ट्रैफिक आपको पता है जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये वाला वो सामने आ गया, मैंने उस तरफ जाना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली आपको पता है जो कवानीन होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन ये है कि असल चीज़ होती है इम्प्लीमेंट, अमल जो होते हैं। ये वाले जो बटन होते हैं ये पेडेस्ट्रियन के लिए, जब सिग्नल बंद होता है तो इसको प्रेस करना होता है, फिर वो सामने सिग्नल देता है जो जिन्होंने सड़क पार करनी होती है पैदल जाने वाले। तो इस तरह ये है कि एक्सीडेंट जो है ना वो तकरीबन उनकी रेशो बाय चांस है, कोई ऐसी गाड़ी जो रुक नहीं पाई, या इन केस ऑफ मतलब कोई ड्राइवर ड्रग्स मतलब कोई नशे में ना हो, अदरवाइज जब सामने पेडेस्ट्रियन वो वाला सिग्नल आ जाए तो फिर आराम से पैदल गुजर जा सकता है, कोई मसला नहीं होता, एक्सीडेंट की रेशो बिल्कुल बहुत लो है।
तो जी गाइस, अभी ये मेरे पास पास ही दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है फायर हाइड्रेंट। ये फायर हाइड्रेंट कुछ मतलब डिस्टेंस सॉरी यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए हैं ये फायर हाइड्रेंट। इनका ये बेनिफिट है, नंबर एक तो जब भी आप गाड़ी रोकते हो तो इसके पास नहीं रोकनी, इससे तो 10-20 फीट आगे या पीछे रोकनी है, क्योंकि इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी घर में कोई आग लग गई या मिसाल के तौर पे, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो जो गाड़ियाँ आती हैं आग बुझाने वाली, फायर ब्रिगेड वगैरह, तो फिर वो आके इनके साथ कनेक्ट करके अपना सिस्टम, तो फिर वो जल्दी जल्दी जो है ना वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसलिए इनके पास बिल्कुल गाड़ी नहीं रोकते, इनको स्पेस देते हैं। ये बहुत ही देखो बड़े थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगे हैं, बड़े फायदे। तो मेरे प्यारे YouTube फैमिली, एक्चुअली ये जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं मतलब सहूलियात होती हैं, ये हर जगह ही पाई जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि असल चीज़ होती है अमल की। तो ये छोटा सा व्लॉग था, एक्चुअली एक इंफॉर्मेटिव मैं आपको दिखा सकूं कि इन छोटी छोटी चीज़ों की कितनी सहूलतें होती हैं, कितनी आसानियां पैदा हो जाती हैं इनके साथ, इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा था, इसलिए मैं आपको ये वाला दिखा रहा था। तो होप, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।